ड्राई काला जामुन दिखने में जितना मजेदार लगता है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे और खोए से बना हलवाई स्टाइल सूखा काला जामुन, यानी ड्राई काला जामुन। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। काला जामुन बनाने के लिए सबसे पहले शुगर सिरप बनाएंगे। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है। आप कोई सा भी बड़ा सा बर्तन ले ताकि जो हमारे काले जामुन है अच्छी तरह शुगर सिरप में डिप हो सके। तो मैं इसमें 2 कप डालूंगी चीनी। जितना चीनी है उतना ही पानी डालेंगे, मिक्स कर देंगे और जब तक पानी में उबाल नहीं आता है तब तक वेट करेंगे और बीच बीच में इसे लगातार चलाते रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि शुगर सिरप में अच्छी तरह उबाल आ गया है। तो मैं यहाँ पे 1 इलायची डाल रही हूँ, इसे हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डाला है मैंने। 1 पिंच केसर के धागे डाल देंगे और चाशनी को हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है। चाशनी हमारी जो है ये काले जामुन के लिए जो चाशनी होती है वो हल्की चिपचिपी होती है, उसमें तार नहीं होनी चाहिए। और चिपचिपी चाशनी बनाने के लिए एक बार जब शुगर में सिरप में बॉईल आ जाए तो हमें 6 से 7 मिनट तक यूं ही बॉईल करना है, तो ये हमारी चिपचिपी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। तो जब तक कि ये चाशनी तैयार होती है, आइए चलिए काला जामुन के लिए डो बना के तैयार कर लेते हैं। डो लगाने के पहले स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। काला जामुन में स्टफिंग करना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन स्टफिंग करके काला जामुन बनाने से टेस्टी भी बनता है और साथ ही बहुत ही अच्छा दिखता है काला जामुन। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बादाम को बारीक चॉप करके लिया है, 1 चम्मच चिरौंजी लिया है, 1 कुटा हुआ इलायची लिया है, 2 से 3 पिस्ता को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद का आप ले सकते हैं, कोई सा भी स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया है 2 चम्मच खोया। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। उसके पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तंदूरी फूड कलर। इसकी जगह आप केसर के धागे भी दूध में भिंगा के डाल सकते हैं, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और ये फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाले बिना फूड कलर की भी स्टफिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग जो है रेडी हो गई है। अभी क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। काला जामुन का डो बनाने के लिए मैंने एक परात लिया, इसमें डाल देंगे 1 कप खोया। ये मेजरिंग कप से मैं 1 कप खोए का आज काला जामुन बना रही हूँ। इसमें डाल देंगे 3 चम्मच मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर की जगह पनीर भी डाल सकते हैं, कच्चा पनीर। मिल्क पाउडर और खोए को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मैंने मिल्क पाउडर और खोए को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जिसकी आप रोटियां बनाती हैं, आप इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा डालने से हमारा काला जामुन जो है हेल्दी भी बनेगा। तो मैं इसमें अभी 3 चम्मच गेहूं का आटा डालूंगी और इसे एक बार चेक करना होगा। गेहूं का आटा या फिर मैदा खोए में काला जामुन बनाते समय कितना डालें ये डिपेंड करता है। अगर आपका बाजार का खोया है तो थोड़ा कम आटा डलेगा, और अगर घर का बना हुआ खोया है तो थोड़ा ज़्यादा आटा डलेगा। तो ये जो खोया है मैंने घर पे इसे बना के तैयार किया है, और साथ में डाल देंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपका डो लगे कि थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप पानी या दूध 1 से 2 चम्मच डालें, अदरवाइज बिना पानी या दूध का भी ये डो बनके तैयार हो जाता है। सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह हथेलियों से मसल मसल के मिक्स करेंगे। आप जितनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे डो को, काला जामुन के डो को, उतना ही ज़्यादा स्मूथ और परफेक्ट गुलाब जामुन बनके तैयार होगा। अगर डो जो है आपका अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा तो जो गुलाब जामुन है वो फटेंगे। तो ये काला जामुन के लिए डो लग के तैयार हो गया है। इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट्स के लिए। आइए एक बार शुगर सिरप चेक कर लेते हैं। शुगर सिरप को बॉईल करते हुए 6 से 7 मिनट हो चुका है। इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा शुगर सिरप को स्पून पे लेंगे और इसे हल्का ठंडा हो जाने देंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब हाथों में इस तरीके से लेकर इसका स्ट्रिंग चेक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये चिपचिपा लग रहा है, लेकिन ये इसमें स्ट्रिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैंने ये शुगर सिरप हमारा तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब काला जामुन बनाएंगे। और ध्यान रखें, जब काला जामुन बना करके शुगर सिरप में डालें तो शुगर सिरप हमारा हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। काला जामुन के डो को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे।
और जितना बड़ा काला जामुन बनाना हो सबसे पहले हाथों में घी लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि हमारा काला जामुन एकदम स्मूथ बने। और जितना बड़ा आपको काला जामुन बनाना हो उतना बड़ा बॉल लेंगे और सबसे पहले स्टफिंग भरेंगे, तो उंगलियों के हेल्प से कटोरी जैसा शेप देंगे और ये जो हमारी स्टफिंग है इसे बीच में डालेंगे और इसे चारों तरफ से क्लोज कर देंगे और फिर इसे बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप देंगे एकदम स्मूथ सा। ये देखिए, अगर आपने डो बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया, एकदम परफेक्ट डो लग के तैयार बन के तैयार हुआ है, तो आपका काला जामुन भी बिल्कुल परफेक्ट एकदम स्मूथ बन के तैयार होगा। सिमिलरली सारे काला जामुन बना के पहले रेडी कर लेते हैं। तो टोटल अभी हमने 7 गुलाब जामुन बना के तैयार किया है, तो चलिए एक बैच को फ्राई करना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन को हमें फुल टाइम स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है जिसमें मैं गुलाब जामुन फ्राई कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने रखा है शुगर सिरप। शुगर सिरप हमारा हल्का गरम होना चाहिए, तो अभी ये शुगर सिरप हमने प्रिपेयर किया था, ये पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। 2 मिनट तक बिल्कुल भी गुलाब जामुन को टच नहीं करेंगे, अदरवाइज गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट हैं, वो फट जाएंगे। तो भी ये काला जामुन अच्छी तरह फ्राई हो गया है, तो इसे निकाल के डायरेक्टली शुगर सिरप में डाल देंगे। आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। सिमिलरली दूसरा बैच भी बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे काला जामुन बना के तैयार कर दिया है और सारे को शुगर सिरप में डिप कर दिया। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे काला जामुन जो है शुगर सिरप में अच्छी तरह डिप हो चुके हैं। तो हमें शुगर सिरप इनफ रखना है ताकि सारे काला जामुन अच्छी तरह शुगर सिरप में डिप हो सके। अभी इसे इसी तरीके छोड़ देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, जिससे कि शुगर सिरप जो है सारे काला जामुन में अंदर तक चला जाए। काला जामुन को शुगर सिरप में डिप किए हुए आधे घंटे हो गए हैं। काला जामुन को सारे काला जामुन को बाहर निकालेंगे बारी बारी से। तो एक काला जामुन को बाहर निकालेंगे और साइड में मैंने एक बोल में लिया है नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट को अच्छी तरह काला जामुन के ऊपर कोट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा ड्राई काला जामुन बनके तैयार हो गया। सारे काला जामुन को इसी तरह निकाल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे के सारे काला जामुन को डेसिकेटेड कोकोनट में अच्छी तरह कोट करके तैयार कर लिया है। ये देखने में जितना मजेदार लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है और इसे घर पे आप बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। मैं यहाँ पे एक काला जामुन को आपको कट करके बताती हूँ अंदर की स्टफिंग कितनी मजेदार बनी है। तो ये देखिए कितनी मजेदार लग रही है अंदर की स्टफिंग। तो फ्रेंड्स, मेरे बताए तरीके से एक बार ही काला जामुन जरूर बनाएं, आप सभी को जरूर पसंद आएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।